नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आप मोटू पतलू का वीडियो को कॉपी पेस्ट करके, तो जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं महीने का लाखों में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चैनल दिखा देता हूँ, देख सकते हैं द पिंक सिटी जयपुर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको उसका वीडियो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मोटू पतलू का वीडियो अपलोड किया है 9 घंटा आगे। तो दोस्तों, इसमें 40,000 व्यूज़ आ गया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन हुआ है वीडियो अपलोड करके। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दिन आगे का वीडियो अपलोड हुआ है, इसमें दोस्तों 238 व्यूज़ आया है। उसके बाद दोस्तों, फिर से यहाँ पे एक मोटू पतलू का वीडियो अपलोड किया है, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ फिर से एक मोटू पतलू का वीडियो अपलोड किया है, इसमें दोस्तों 8,90,000 व्यूज़ आया है एक दिन आगे का वीडियो अपलोड किया है। उसके बाद फिर से 8 दिन आगे अपलोड किया है, इसमें 161 व्यूज़ आया है। तो दोस्तों, मोटू पतलू का वीडियो सभी लोग पसंद करते हैं, बच्चों से लेकर दोस्तों बूढ़े तक पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 17 घंटे आगे आप वीडियो अपलोड किया है, इसमें 1,40,000 व्यूज़ आ चुका है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे 2 दिन वीडियो अपलोड किया हुआ है, 16 लाख व्यूज़ आ गया है। तो दोस्तों, मोटू पतलू का दोस्तों बहुत ही डिमांड है और दोस्तों ये ट्रेंड में चल रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह मोटू पतलू का वीडियो को सेम टू सेम आप अपने चैनल पे कैसे अपलोड करेंगे सिर्फ कॉपी पेस्ट करके, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, सभी लोग कहते हैं कि कॉपीराइट आता है, इसमें दोस्तों कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल कॉपीराइट नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर एक अपलोड किया है जो कि आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए मैं अपने चैनल को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक चैनल बनाया है मोटू टून्स। तो दोस्तों, इसको मैंने बनाया है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, इसमें 4 व्यूज़ आया है। और दोस्तों, 21 घंटा हो गया। मैंने दोस्तों इसको वेट क्यों किया 21 घंटा, मैं देख रहा था कि इसमें कॉपीराइट क्लेम आएगा कि नहीं, इसीलिए दोस्तों मैंने 21 घंटा इसका वेट किया, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के सामने में। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 4 व्यूज़ आया है, 21 घंटा वीडियो अपलोड किया है, इसमें कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। तो दोस्तों, मैं जिस तरह से मैं वीडियो यहाँ पे बनाने वाला हूँ, उसी तरह से दोस्तों आप भी यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब पर आ गया। अब दोस्तों, आपको कैसे यहाँ पर अपना वीडियो को लेना है, कैसे आप यहाँ से वीडियो लेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है मोटू पतलू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मोटू पतलू सर्च कर लिया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ फिल्टर पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों अपलोड डाटा पे क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ ऑल है उस पर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ अप्लाई कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही हम सर्च करेंगे तो जितना भी यहाँ हमारे नए वीडियो अपलोड हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ घंटा पहले वीडियो अपलोड किया है, सारा वीडियो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 घंटा आगे वीडियो अपलोड किया है, यहाँ पे 66 व्यूज आया है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 9 घंटा आगे 2,400 व्यूज आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं 9 घंटा आगे 40,000 व्यूज आया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से दोस्तों जितना भी वीडियो अपलोड हुआ है नया नया, कुछ घंटा पहले यहाँ पे देख सकते हैं 11 घंटा पहले अपलोड किया है 61,000। तो यहाँ से आपको वीडियो को डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड कैसे करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आप सभी को पता है कि वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आप डाउनलोड कर लेना। अगर वीडियो डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप YouTube पे सर्च कर लेना, उसके बाद दोस्तों आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दोस्तों, आपको काइनमास्टर में आ जाना है। तो चलिए, काइनमास्टर में आ गया दिन, यहाँ दोस्तों प्लस के आइकन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों 69 पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें एक बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे वाइट। तो यहाँ से हमने एक बैकग्राउंड ऐड कर दिया, देन यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद इसका लेयर पे क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं इस तरह से, जैसा यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया वैसा आप भी इंक्रीज़ कर देना। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, अपनी वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ओके करेंगे, फिर यहाँ पर दोस्तों हम लेयर के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ मीडिया है यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमने वीडियो को डाउनलोड किया है, तो हमारा जो डाउनलोड वीडियो है यहाँ पे है, देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना वीडियो को ऐड कर लिया, देन यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वीडियो ऐड कर दिया। यहाँ पे दोस्तों जो इसका शुरुआत है उसको हमें कट कर देना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इसका इंट्रो चल रहा है तो हमें इंट्रो को कट कर देना है।
जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको कैसे इंट्रो को कट कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसका इंट्रो को कट कर देना है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इंट्रो को कट करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं इसका इंट्रो जो है इसको कट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें वीडियो पे क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वीडियो पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ कैंसिल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों ट्रिम टू लेफ्ट को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लेफ्ट का साइड है वो कट गया। अब इसको हमें यहाँ पे शुरुआत में ले आना है, इस तरह से पकड़ के थोड़ा सा पकड़ना है, यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ के रखना है, फिर यहाँ पे ऐसे इसको खींच लेना है, तो यहाँ सामने में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, बड़ा करने वाला है। तो चलिए हम इसको बड़ा कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से बस इतना ही आपको कुछ बड़ा कर देना है, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखना चाहिए वाइट का। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको बड़ा कर लेना है, देन यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका एंड पार्ट में जाना है, जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट में जाएंगे, पहले तो अपना वीडियो को फुल कर देते हैं, अपना लेयर को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लेयर को बड़ा कर रहा हूँ वीडियो के साइज में, ठीक है, जितना वीडियो है उतना मैं इसको लंबा कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह से आप इसको लंबा कर लेना है, जितना वीडियो है उतना आप इसको ऐसा खींच लेना और उसको लंबा कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जितना वीडियो लंबा है उतना मैं यहाँ पर अपना लेयर को बड़ा कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ दोस्तों हमारा जो वीडियो इतना ही लंबा है और मैंने अपना जो लेयर है उतना ही लंबा कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें एंड इंट्रो लगाना है, जैसे कि दोस्तों हमें एंड इंट्रो लगा देना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एंड इंट्रो लगा लेते हैं। आपको दोस्तों एक इंट्रो बना के रख लेना है, उसके बाद दोस्तों एंड में आपको लगा देना है। जैसे कि चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा एंड इंट्रो कैसे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एंड इंट्रो लगा दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एंड में एक अपना इंट्रो लगा दिया। आपको इसी तरह एक इंट्रो बना लेना है, उसके बाद एंड में लगा देना है। अब दोस्तों हमें शुरुआत में क्या लगाना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको दोस्तों शुरुआत में फिर से एक इंट्रो लगा लेना है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमें फिर से एक छोटा सा लेयर लेना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ फिर से हमें एक वाइट बैकग्राउंड, यहाँ पे दोस्तों हमने एक लेयर ले लिया। अब यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं कट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने एक चैनल का इंट्रो लगा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कलर देना है। तो कलर के लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद इसको हम ब्लैक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ओके किया, उसके बाद इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे ए पे क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें ओके करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फॉन्ट चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें हमें एमिनेशन देना है, तो एमिनेशन देने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें एक एमिनेशन देना है। एमिनेशन देने के लिए हम क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद देख सकते हैं इन एमिनेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फेड, यहाँ पे पॉप है, तो हम यहाँ पे पॉप फेड दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर लेना। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा वीडियो प्ले हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एक इंट्रो लगा लेना, इसको कम से कम आप एक सेकंड दो सेकंड तक इसको ऐड कर लेना है इंट्रो को, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दो सेकंड इंट्रो ऐड करना है, उसके बाद दोस्तों आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लोगो हमें हटाना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना एक स्टिकर लगाना है। जैसे कि हम यहाँ लेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको मिडिल में क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आना है, देन यहाँ पर क्लासिक स्टिकर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे कोई स्टिकर ले लेना है। जैसे कि चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक स्टिकर ले लेता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे ये वाला स्टिकर ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ हमें क्या करना है, इसको बड़ा करना है, तो चलिए इसको हम बड़ा कर देते हैं ऐसा। उसके बाद यहाँ पर हमें इसको ऐड कर देना है। ये लोगो अब नहीं दिखने वाला, देख सकते हैं ये लोगो अब नहीं दिखेगा। इसको जितना वीडियो है इतना लंबा कर लेना है, तो इस तरह से इसको लंबा कर देना है। तो दोस्तों जितना मेरा वीडियो है उतना लंबा मैंने स्टिकर को कर लिया है। अब देन यहाँ पे दोस्तों हमारा वीडियो जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसको हम प्ले करके देखेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वीडियो कंप्लीट हो चुका है, अब दोस्तों हमें इसमें थोड़ा चेंजेस करना है। तो चेंजेस करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, अपने वीडियो पर क्लिक करना है। तो यहाँ दोस्तों हमने वीडियो पर क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों इसका यहाँ वॉल्यूम को हमें 100 से 200 कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड को भी यहाँ पे इंक्रीज करना है, देन यहाँ पे आपको भी इंक्रीज कर देना है, ठीक। उसके बाद
यहाँ पे इसको इनेबल करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से अपने वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको इको दिख रहा है, क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आना है, देन दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ वीडियो पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ साउंड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ ओके पे क्लिक करना है, फिर अपने वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाना है आपको वॉइस चेंज पे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइस चेंज है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आना है, देन यहाँ मेन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ मेन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर से ओके करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से अपने वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे एडजस्टमेंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे में आना है। उसके बाद नीचे में आने के बाद इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, आपको कलर को थोड़ा सा चेंज कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड करके रख दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको यहाँ पे 14 में रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 14 है, इसमें आपको 14 में ऐड कर देना है। उसके बाद ओके करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वीडियो का कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको इसका कलर चेंज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा दोस्तों आपको यहाँ एक्सपोर्ट है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको क्या करना है, आप इसको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब दोस्तों ये हमारे वीडियो सेव होने वाला है, तो दोस्तों कुछ देर वेट करते हैं, वीडियो को सेव होने देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे अपने चैनल पर अपलोड करना है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा मोटू पतलू का वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब दोस्तों हमें जाना है अपना यूट्यूब एप्लीकेशन में, तो चलिए हम अपना यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपना यूट्यूब ओपन कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किया है उसको हमें यहाँ पर अपलोड करना है, तो चलिए हम यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर दोस्तों अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम अपना वीडियो वहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर अपना वीडियो ले लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अपना टाइटल देना है, तो चलिए हम टाइटल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल इसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक ही टाइटल देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टाइटल ऐड कर दिया, देख सकते हैं मोटू पतलू कार्टून। उसके बाद दोस्तों इसको हमें कॉपी करना है। उसके बाद दोस्तों हमें इसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देना है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको भी ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पब्लिक है, इसको अनलिस्ट करना है, तो यहाँ पे हमें इसको अनलिस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है, तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों आपको भी अपना वीडियो अपलोड करना है, उसके बाद दोस्तों इसको बाद में आपको पब्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना YT स्टूडियो को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरा वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कोई कॉपीराइट नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दो वीडियो अपलोड करके आप लोगों को दिखा दिया। तो चलिए दोस्तों मैं इसको आपके सामने में इसको मैं पब्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मुझे किसी प्रकार का यहाँ पे कॉपीराइट नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पब्लिक कर दिया, देन यहाँ सेव कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो वीडियो है दोस्तों पब्लिक हो चुका है, मुझे कोई कॉपीराइट नहीं आया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने वीडियो अपलोड करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं।